नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सीधे आपको गोवा लिए चलते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बच्चा कितना ही प्यार क्यों ना हो, लेकिन अगर बीमार है तो उसको जरा कड़वी दवाई देकर के भी स्वस्थ करना पड़ता है। कोई मां नहीं चाहती है कि बेटे को कड़वी दवा पिलाए, लेकिन मां मां को उसको पता है कि अगर आज मैं बच्चे को कड़वी दवा नहीं पिलाऊंगा तो शायद लंबे समय के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। गोवा के मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? पूरी हिम्मत से बताओ, करने चाहिए नहीं करने चाहिए? राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करने चाहिए, लेकिन देश के स्वास्थ्य के लिए करने चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं अगर मोदी की वाहवाही के लिए हमें चलना है तो एक रास्ता है जहां लोग मोदी की वाहवाही करते रहे, भाजपा की वाहवाही करते रहे, दिल्ली की सरकार की वाहवाही करते रहे, लेकिन उसमें देश की हालत कैसी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन कड़वे निर्णय करके, कठोर कदम उठा करके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जो भी चीज करना पड़े उसको करके आने वाले एक दो साल में एक के बाद एक कठोर कदम उठा करके एक बार देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना ये आवश्यक होता है। मैं जानता हूं ऐसे कठोर निर्णयों के कारण जिस मोदी को लोग इतना प्यार करते हैं, शायद उसमें कमी आ जाए, कहीं नाराजगी भी आ जाए, लेकिन मुझे विश्वास है इन कठोर निर्णयों के बाद जब स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा तो ये प्यार पुनः वर्षा होना शुरू हो जाएगा। ये मुझे देश को ऐसी स्थिति में लौटने से नहीं रखना। अगर इस बीमारी के प्रति हम उदासीन रहे तो बीमारी बढ़ती जाएगी, और इसलिए देश को आर्थिक बीमारी में से बाहर निकालना, कठोर फैसले करना, जरूरत पड़े वहां कड़वी दवाई देना, ये राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। और मुझे विश्वास है आप सभी मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों और पूरे देशवासी मुझे पूरा समर्थन करेंगे, मुझे पूरा आशीर्वाद देंगे।
मैं देशवासियों पर विश्वास दिलाता हूं कि हम जो भी फैसले करेंगे अपने लिए कभी नहीं करेंगे और अपने दल के लिए भी नहीं करेंगे। जो भी फैसले करेंगे सिर्फ और सिर्फ देश के लिए। और जल्द से जल्द
गोवा में पहले जिस प्रकार से मैच के काम चलते थे उससे भी आधुनिक तरीके से तेज गति से चले और यहां के लोगों को रोजी रोजी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की भलाई के लिए कुछ कड़े फैसले हमें लेने हो सकते हैं, कड़वे फैसले हमें लेने होंगे, देश की सेहत के लिए फैसले लेने होंगे, आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना होगा, नाराजगी भी उससे पैदा हो सकती है। मतलब संकेत नरेंद्र मोदी ने ये दिए हैं कि बजट में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो शायद इस देश की आम जनता को अच्छी न लगे, और ये भी कहा कि उम्मीद है कि लोग साथ देंगे। तो बजट से पहले नरेंद्र मोदी का यह बड़ा बयान गोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने दिया और क्या कहा सुनिए। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, पूरी हिम्मत से बताओ करने चाहिए नहीं करने चाहिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करने चाहिए लेकिन देश के स्वास्थ्य के लिए करने चाहिए। मेरे दिमाग में से ज्यादा नहीं है